आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, इस बाइक की जो आप सामने गाड़ी देख रहे हो ना, इसकी प्राइस 20 लाख रुपए है। इस बाइक की प्राइस सुपर रेयर बाइक, सुपर रेयर जिसको कहते हैं ना, ये यामा की R6, ठीक है। और इंडिया में लाइक बहुत कम बाइक्स आई थी, और लीगल तो भाई बहुत ज़्यादा कम है। ये बाइक पर्टिकुलरली मुंबई से आई है लग रहा है, और भाई बहुत रेयर लग रही है। इसके बारे में आपको सब कुछ बताते हैं एक एक करके, तो स्टार्ट करते गाइस इसके बारे में, ठीक है। तो इसमें देखो, ये पुरानी वाली जो स्टाइलिंग आती थी ना यामा की, जो वर्जन 2 में आती थी या वर्जन 1 में आती थी, वैसी वाली स्टाइलिंग है। अभी वाली R6 नहीं है, ये लगभग 2016 से पहले जो R6 आती थी वो वाली R6 है, ठीक है। डुअल डिस्क आपको इसमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। इंडिया में बहुत रेयर बाइक है, और लगा लो कि लीगल बाइक्स तो बहुत ज़्यादा कम है। लाइक ये लीगल बाइक है एक, ठीक है, और देख सकते हो इसका रजिस्ट्रेशन। और इसके अंदर आगे जो आपको दो डिस्प्लेट्स देखने को मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि भाई 600 सीसी की गाड़ी है ये, 600 सीसी इनलाइन 4 गाड़ी है। और इसका रेव लिमिटर जो है ना, वो भाई 18,000 आरपीएम तक जाता है, जो कि भाई बहुत ज़्यादा होता है एक 600 सीसी बाइक के लिए। गाइस फिर से बता रहा हूँ, देखो दिखती है जरूर R15 की तरह, ठीक है, पर ये R15 है नहीं। देख सकते हो इसके अंदर आपको सिलेंडर देखने को मिल रहे होंगे, 6 पाइप्स लगे हुए हैं इसके अंदर। तो ये 600 सीसी की R6 है, ठीक है, क्योंकि देखने को नहीं मिलती तो भाई लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में। और लगभग जब ये इंडिया में नहीं भी आती थी या लीगल तरीके से आती थी, तो भाई तब भी ये बाइक ना 20 लाख रुपए से ऊपर की आती थी रजिस्ट्रेशन वाला करा के, ठीक है। और इतने में मैं जानता हूँ एक टेनर आ जाती है, बट भाई इसको लेने के लिए आपको ना इसको डायरेक्ट इम्पोर्ट कराना पड़ता था बाहर से, कंपनी इसको इंडिया में बेचती ही नहीं थी पहली बात तो। दूसरी बात, इसमें लोडिंग काफ़ी हो रखी है, ठीक है। इसमें CR रेस फिट का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, और पीछे एक गोल्ड कलर की स्कीम में आती है, आई थिंक लिमिटेड एडिशन वाली है, ठीक है, तो इसमें गोल्ड कलर की स्कीम डाल रखी है। अरे यार, इतनी एग्जॉस्ट की आवाज़ क्यों हो रही है यहाँ पे। और कार्बन फाइबर का इस पर रैप हो रखा है कहीं कहीं पे, ठीक है। और लाइक बीच वाला मोनोशॉक देख सकते हो आप इसका, और 600 सीसी की गाड़ी है ये। प्राइस मैंने आपको बता दिया है इसका। एग्जॉस्ट का साउंड अभी आपको इसका सुनाएंगे, और देख सकते हो भाई क्या लुक आ रही है इस गाड़ी की यार। अब एक टिटोना भी खड़ी है, ये भी बहुत रेयर बाइक है इंडिया में, ठीक है। अब प्रोडक्शन में नहीं, ट्रैम्प की आती थी, ये भी 600 सीसी के, 600 सीसी थोड़ी सी फालतू है। और ब्लू कलर में ये रैप हो रखी है इसका, ये ओरिजिनल कलर नहीं है, ठीक है, ये आई थिंक रेड कलर की रही होगी, जो थोड़ा सा मेरे को टैंक का कलर दिख रहा है। और इसमें भी SC प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट लगा हुआ, रिम्स इसके पेंटेड है, ठीक है, टेल टाइडी लगा हुआ है। और लाइक ये 2016 या 2017 का मॉडल होगी। एडजस्टेबल सस्पेंशन आते हैं, इसमें मैनुअली एडजस्ट करने पड़ते हैं, और मीटर इसका यूं है कुछ, ठीक है। और ये मिरर्स है इसका, इसके मिरर्स काफ़ी अलग आते हैं। और ये जब बाइक स्टार्ट होती है ना, इसमें एक विसल की साउंड आती है, क्योंकि इनलाइन 3 है, इनलाइन 4 नहीं है, ठीक है। और यही है सीन इसका, पीछे 190 साइज का टायर लगा हुआ है। देखो गाइस, अगला पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ, ये सुपर बाइक पर मैटर तो नहीं करता, पर मेरे कुछ इच्छुक लोग, भाई लोग होंगे जिनको ये चीज़ जाननी होगी, तो वो सोचेंगे कि भाई ये फ्यूल इकोनॉमी कितना देती है, ठीक है भाई। तो सुपर बाइक में कोई फ्यूल इकोनॉमी दी तो ओए होए, सुपर बाइक में कोई फ्यूल इकोनॉमी तो होती नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप जानना ही चाहते तो, 1 लीटर पेट्रोल में ये सिर्फ 12 किलोमीटर चलती है। हाँ जी, 1 लीटर पेट्रोल में सिर्फ ये 10 से 12 किलोमीटर ही चलती है। जो मैं ये R6 देख रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता लाइफ में दोबारा देख पाऊंगा नहीं देख पाऊंगा, बिकॉज ये बाइक इतनी ज़्यादा रेयर है भाई। और आप अगर कोई भी आपका ना, आप नेट पर सर्च करके देख सकते हो इंडिया में कितनी यामाहा बाइक बिकी है R6 नाम से, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा रेयर बाइक है, और बहुत ज़्यादा महंगी बाइक है, ठीक है। जिसने भी रखी हुई है काफ़ी अच्छे से रखी हुई है, वेल मेंटेन्ड है ये गाड़ी। अभी भी इसकी प्राइस लगभग, देखो अब तो ये रजिस्ट्रेशन से आउट होने वाली होगी, सो उस हिसाब से इसकी प्राइस होगी, बाकी वही लगभग 7 से 8 लाख रुपये के बीच में अभी भी इसकी वैल्यू होगी। 190 सेक्शन का टायर डाला हुआ है, ठीक है, जो मेरा सेम ड्यूक में, मेरे ड्यूक का रिम पतला है इसलिए ये टायर पतला दिखता है, बट इसमें प्रॉपर साइज का रिम है तो इसलिए पूरा दिख रहा है ये। और सिंगल सिलेंडर वाली ब्रेक कैलिपर सी है इसके अंदर, जो कि ठीक ही है। देखो भाई, सबसे बड़ी बात ना, ये बाइक ना एक ट्रैक ओरिएंटेड बाइक है, ठीक है। जो भी बंदा बाइक लेता है, ऑब्वियसली है कि ट्यूरिंग के लिए तो नहीं ले रहा है, ये बाइक ट्रैक के लिए ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से ये बाइक रखी हुई है, ठीक है, क्योंकि मिरर्स वगैरह इसके हटे हुए हैं, तो ये बंदा ऑब्वियसली इसको ट्रैक पे यूज़ करता है, ठीक है। और इसमें इंजन गार्ड वगैरह नहीं डले हुए हैं, ठीक है, सिर्फ ये जो क्या कहते हैं
ऑयल फिल्टर की कैप है ना वो चेंज हो रखी है उसके लिए, और नीचे जो ब्लैक कलर का जो भी आप देख रहे हो ना ये रैप हो रखा नीचे वाला ग्लॉस में, ठीक है, ये पहले इसका नहीं होगा, ये मैट में होगा, और ये वाला जो ऊपर से है ये दोबारा लिखा गया है। तो ऑब्वियसली ये बाइक देखो इंडिया में इसके पार्ट्स आते नहीं तो रिप्लेस करना मुश्किल है, तो जो भी जुगाड़ हो पाता है लोग वो करते हैं इसके साथ। और इसके अंदर जो रेडिएटर के फ़ैन हैं वो दो लगे हुए हैं, ठीक है, इंडिकेटर से वो अपने R15 वाले ही आते थे, ठीक है, और जो इसके अंदर लाइट्स है वो भी हैलोजन आती थी, बट इसमें LED डाल दी गई है, ये भी एक मॉडिफिकेशन में काउंट कर लो। और इसका जो स्टैंड है वो बहुत छोटा सा आता है वो देख सकते हो आप, और लाइक ठीक है यार टैंक इसका थोड़ा बड़ा है, लाइक ये होगा 15 से 16 लीटर का टैंक जो कि ट्रैक के लिए बहुत है। और इसके अंदर जो लाइट है वो ब्लिंक कर देती है, सारी सुपर बाइक्स में ब्लिंक करती रहती है। और ये जो मीटर है ना R1 में भी अब सेम आने लग गया था बाद में, तो ये R1 वाला ही मीटर आप कह सकते हो इसको। स्विचेस थोड़े छोटे हैं बिकॉज अगेन ये ट्रैक ओरिएंटेड बाइक है भाई, और लुक तो भाई क्या ही कातिल आता है यार इसका, मन कर रहा है एक V2 मैं भी ले लूं, क्योंकि R6 लेना तो इम्पॉसिबल है भाई। ये है कि मैं ये बाइक क्यों नहीं ले सकता, ले सकता हूँ बट मैं चाह के भी नहीं ले सकता, क्योंकि ये बाइक इंडिया में कभी आई नहीं ऑफिशियली, ठीक है, अगर ये इंडिया में आई होती यामा इसको बेच रहा होता ना इसकी प्राइस लगभग होती 10 लाख के अंदर होती, ठीक है, बट यामा ने कभी इसको ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया। जितने भी लोगों को R6 चाहिए थी ना जापान से इम्पोर्ट होकर आती थी, और आप जानते हो कि भाई आपको जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर 50% ड्यूटी पे करनी पड़ती है, तो मान लो सपोज़ कर लो ये बाइक 10 लाख रुपए की है तो आपको 10 लाख रुपए और ऊपर से देने पड़ेंगे इसके ऊपर ड्यूटी पे करने के लिए, तो कौन ही खरीदेगा भाई। ये साफ सीधी बात है कि आप 20 लाख रुपए में आप 18 लाख रुपए में आप एक टेनआर ले लोगे 1000cc की रेदर देन R6 जो कि 600cc की है। बट भाई इसकी रेयर है ना ये इतनी, ये अगर इसको आप ढंग से ट्यून करो इसके अंदर ECU वगैरह लगा दो ना तो ये अच्छी खासी 1000cc बाइक्स को भी टक्कर दे देगी, इतनी कैपेबल है ये गाड़ी। एक डेटोना खड़ी है इधर, एक R6 खड़ी है, दोनों 600cc के, तो जीतेगी कौन? तो साफ सीधी बात बता रहा हूँ भाई, अगर इसके साथ Z900 भी खड़ी हो ना तो ये गाड़ी जीत जाएगी, बिकॉज इसका जो रेव लिमिटर है ना वो 18,000 पे हिट करता है। आई डोंट नो व्हाई बट यामा ने ऐसी चीज़ मॉन्स्टर बना रखा है ना कि भाई 1000cc बाइक से भी नहीं जाती कभी कभी 18,000 RPM पे जो ये बाइक चली जाती है, तो ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है भाई, बहुत ख़तरनाक। और इसको बस यामा, मैंने एक चीज़ है कि अगर इसको कोई पार्ट ख़राब हुआ ना, वैसे तो रिलायबल होती जैपनीज, बट इसका कोई पार्ट ख़राब हुआ ना भाई तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है, ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है। और जो यामा R6 है ना इसके अंदर काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स है, लाइक देखो अगर कोई शौक आप पाल रहे हो तो उसके एक पॉजिटिव साइड भी होती है, उसके एक डाउन साइड भी होती है, और इसका डाउन साइड ना इसकी थोड़ा कैम्स वाला और टाइमिंग चेंज थी ना वो था जो एक टाइम के बाद वॉर्न आउट हो जाती थी, जो कि किसी के साथ भी है बट इसकी जल्दी हो जाती थी। तो गाइस ये था इस R6 का रिव्यू, इस R6 का प्राइस, और ये कितनी रेयर बाइक है वो मैंने आपको बता दिया। इसके लिए इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वारी हो आपकी भाई, ये आवाज़ करना ही नहीं बंद कर रहे, इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वारी हो आपकी तो आप कमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं, बहुत ही रेयर मशीन है भाई ये, बहुत ही रेयर। ये कस्टम्स, ठीक है भाई, और यहाँ पे खड़ी हुई आर्ली, जो भी अपने बुलेट वाले लड़के हैं भाई अगला अपग्रेड ये होना चाहिए सबका, क्या मस्त है यार ये सुपर ग्लाइड है ये। आई डोंट नो दी CC भाई, ठीक है, मैं हार्ली के मामले में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट ये लगभग 1200cc से ऊपर होने वाली है, 6 स्पीड है ये, मस्त है भाई। और यहाँ पे एक टायर खड़ी हुई है जिसका रिपेयरिंग वर्क चल रहा है, उधर भी एक हार्ली है, और एक जिक्सर है हमारे पास, बट ये जिक्सर मॉड की हुई है ट्रैक बाइक में बिकॉज इसका स्विंग आर्म एक्सटेंड हो रखा है, लाइक अच्छी है। भैया ग्लव आपके हैं? कोई नहीं कोई चूतिया। चलो भाई गाइस हम भी निकलते हैं यहाँ से, बाय बाय R6, बहुत याद आएगी यार तेरी, इसके साथ एक लगा के फोटो तो ले लें, कभी तो याद रहे कि तू R6 के साथ खड़ी थी, माइटी R6। The frame 600cc 400cc, जो पूछेंगे कि भाई क्या फ़र्क है इन दोनों बाइक्स में जो आप इसकी इतनी हाइप बना रहे हो, तो भाई देखो ये सिंगल सिलेंडर है 400cc, मानता हूँ अच्छी बाइक है, मेरी बहुत अच्छी बाइक है, ठीक है, और Duke 390, अरे भाई क्या कर रहा भाई, Duke 390 अच्छी भागती है, ठीक है, बट R6 ना भाई 4 सिलेंडर की है 600cc, बट
जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन भाई और ज़्यादा सिलेंडर्स में बढ़ जाता है ना, तो वो बाइक और ज़्यादा भागती है और ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बाइक अनस्टेबल है, पावर के मामले में बहुत अच्छी उठती है, बट ये धीरे धीरे करके इतना भागती है ना भाई ड्रैग में, क्या ही बता दूँ। देख सकते हो दोनों की साइड बाय साइड लुक आप, दोनों की लेंथ तो सेम ही है, ड्यूक हल्की सी लंबी है, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है तो गाइस, ये था हमारी आज की वीडियो के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको R6 कमेंट करके ज़रूर बताना, और कैसा लगा इसका प्राइस वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो भी क्वेश्चंस हो आपके आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और कोई ना कोई कमेंट ज़रूर छोड़ देना। मिलते हैं आपसे आपको अगले व्लॉग में।